गुड़िया बेटा तू खेल कर जल्दी घर चले जाना, मैं काम के लिए निकल रही हूँ, ठीक है बेटा? माँ आपको पता है कुछ दिन बाद नवरात्रि है, तो मुझे भी गरबे की ड्रेस चाहिए। मेरी सारी सहेलियों ने खरीद भी ली, बस मेरे पास ही नहीं है, तो माँ आप भी मुझे दिलाओ ना। अच्छा ठीक है बेटा, आज मैं मिम साहब से पैसे मांगूंगी और लौटते वक्त तेरे लिए अच्छी सी गरबे की ड्रेस लेकर आऊंगी, ठीक है बेटा? सच्ची माँ, तो आप मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, मुझे अपने पसंद की ड्रेस लेनी है। वैसे भी आज स्कूल की छुट्टी है, तो मुझे ले चलो ना माँ। अच्छा ठीक है, तू इतना कह रही है तो चल मेरे साथ। ठीक है माँ। अरे सविता आंटी, आज आप फिर इस गुड़िया को साथ ले आए? हाँ बेटा, आज इसका भी आने का बहुत मन था ना, इसलिए मैं इसे भी साथ ले आई। अच्छा चल बेटा। गुड़िया बेटा तू यहाँ पर बैठ और किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, मैं जल्दी से काम निपटा देती हूँ, फिर हम तेरी गरबे की ड्रेस लेने जाते हैं, ठीक है बेटा? ठीक है माँ। जब देखो तब मुंह उठा के मेरे घर चली आती है, मुझे ये गुड़िया बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये दोबारा मेरे घर आने का नाम ना ले, गरीब कहीं की। क्या करूं इस गुड़िया का, क्या करूं? रिद्धि बेटा। हाँ मम्मा, क्या हुआ? बेटा नवरात्रि आ रही है ना, तो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। अरे वाह, ये तो नवरात्रि की ड्रेस है, ये कितनी सुंदर है। थैंक यू मम्मा। वेलकम बेटा। ड्रेस तो सच में बहुत सुंदर है, अब यही ड्रेस गुड़िया से पीछा भी छुड़ाएगी। ये गुड़िया की बच्ची है तो नहीं ना? अब आएगा असली मजा। मामा। हाँ बेटा। मामा आप जो नवरात्रि की ड्रेस लाए थे ना, वो मुझे मिल नहीं रही है। पर बेटा मैंने तो आपको ही दी थी ना, देखो आपके रूम में ही कहीं होगी। मैंने सब जगह देखी मम्मा, पर मुझे कहीं नहीं मिली। अच्छा बेटा आपने पक्का सब जगह देख ली? हाँ मम्मा सब जगह चेक किया। फिर घर से ड्रेस कहाँ जा सकती है? मम्मा आप जब मुझे ड्रेस देने आए थे, उसके बाद ये गुड़िया रूम में आई थी। मुझे तो लगता है ड्रेस इसी ने ही ली है। नहीं नहीं, मैंने नहीं ली ड्रेस, और मैंने तो देखी भी नहीं। नहीं नहीं मिम साहब, मेरी गुड़िया कभी चोरी नहीं कर सकती, शायद रिद्धि को गलत फहमी हुई है। नहीं मम्मा मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, रुको एक मिनट। ये देखो मैंने कहा था ना गुड़िया ही चोर है, ये हमारे घर आती ही चोरी करने है। नहीं मैंने ये ड्रेस नहीं ली और अपने थैले में भी नहीं डाली। तो क्या ये अपने आप आ गई तेरे थैले में? मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं ली ये ड्रेस। गुड़िया नाटक मत कर, एक तो चोरी करती है और ऊपर से रोने का नाटक भी कर रही है। बस रिद्धि बेटा बहुत हुआ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि गुड़िया ने ही आपकी ड्रेस ली है और ड्रेस उसी के थैले में है, ये आपको कैसे पता? शायद तुम्हें नहीं बताना, लेकिन मैं ही बता देती हूँ कि गुड़िया का हमारे घर आना तुम्हें पसंद नहीं आया, इसलिए तुमने चोरी का इल्जाम गुड़िया पर लगा दिया। जब तुम ये ड्रेस गुड़िया के थैले में डालने आई, तब मैंने तुम्हें देख लिया था और तभी मुझे समझ में आ गया था कि तुम क्या करना चाहती हो। कोई अगर तुम्हें पसंद नहीं तो क्या तुम ऐसी हरकत करोगी? गुड़िया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम ये सब करने चली थी? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने ये सब देख लिया, वरना मैं भी गुड़िया और सविता को गलत समझ बैठती। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रिद्धि, क्या मैंने और तुम्हारे पापा ने यही संस्कार दिए कि तुम ऐसी हरकत करो? मम्मा
मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ये बहुत गलत किया। बेटा माफी मुझसे नहीं, गुड़िया से मांगो। गुड़िया तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर देना। अरे रिद्धि दीदी आप माफी मत मांगो, मैंने आपको माफ किया। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया है तो ये लो, ये नवरात्रि की ड्रेस तुम ही रखो, ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी।